आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम दही भल्ले बनाने जा रहे हैं। दही भल्लों में क्या क्या सामान यूज होता है वो हम आपको बताते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। एक कटोरी मूंग की धुली दाल, एक चम्मच नमक, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लंबी शेप में कटा हुआ। तलने के लिए ऑयल, एक बड़ा बाउल दही। दही मैंने अपने घर की जमाई हुई है। यदि आपको दही देखनी हो जमानी तो वो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। एक कटोरी मीठी चटनी, एक कटोरी हरी चटनी, ये भी मैंने अपने घर में ही बनाई हुई है। यदि आप इनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी दाल को 4 घंटे के लिए भिगो देते हैं और दही को फेंट लेते हैं। 4 घंटे हो चुके हैं, दाल हमारी पूरी तरह से भीग चुकी है। आप देखिए दाल हमारी ऐसी मोटी मोटी हो गई है। तो अब इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट आप बनाए तो पानी निकाल कर जब बनाए। दाल हमने पीस ली है, अब इसको हमें फेंटना है। फेंटना हमें करीबन 10 मिनट है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, क्योंकि एक डायरेक्शन में फेंटने से इसमें जो हवा भरेगी तो हमारे दही भल्ले सॉफ्ट बनेंगे। आप इसके अंदर धनिया, हरी मिर्च, अदरक यदि आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। दाल हमने पूरी तरह से फेंट ली है, दही को भी फेंट लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालकर मिला लेते हैं। सबसे पहले हम पानी गर्म कर लेते हैं भल्ले डालने के लिए और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हमें इसमें उबाल नहीं लगाना, हाथ देने तक ही गर्म करना है। पानी हमारा गर्म हो चुका है, बस इतना ही गर्म करना है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं करना, जिसके अंदर हाथ आसानी से चला जाए। तेज गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया, अब इसके अंदर हम ऑयल डालते हैं। करीबन 2 मिनट ऑयल गर्म होने के लिए रखना है। तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर तलने के लिए हम भल्ले डालते हैं। ये हम हाथ से ही डालेंगे। गैस अपनी मीडियम कर दें। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे हैं, लेकिन पानी में डालने के बाद ये फूलने के बाद बड़े हो जाएंगे। ये हमें इतना सुनहरा होने तक ही तलने थे, ज़्यादा लाल नहीं करने। अब इनको हम उतार लेते हैं, ऐसे साइड लगा के एक्स्ट्रा तेल निकाल दें और आराम से इनको उतार लें। ये हमने उतार लिए हैं और अब इन्हें 2 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद हम पानी में डालेंगे। देखो थोड़े पहले से थोड़े बड़े तो अब हो गए हैं और पानी में डालने के बाद और बड़े हो जाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इनको हम पानी में डाल देते हैं और इसी तरह से हम सारे भल्ले बना लेंगे। हमने भल्लों को गर्म पानी में डाल दिया है, करीबन इन्हें हमें 1/2 घंटे के लिए भिगोना है। भल्लों को पानी में पड़े हुए 1/2 घंटा हो चुका है, देखते हैं हमारे भल्ले कितने फूले हैं। ये हमारे भल्ले देखिए काफ़ी मोटे हो चुके हैं। अब इनको हम दही सोड डाल के तैयार करते हैं। हमारा नमक थोड़ा सा कम रह गया है क्योंकि हमने पानी में डाल दिया था, इसलिए हम 1/2 चम्मच नमक और ले लेते हैं। भल्लों को इस तरह से आप निचोड़ दें, एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल दें और प्लेट में लगा लें। ये बहुत नरम हुए हैं। भल्लों को हमने पानी से निचोड़ कर प्लेट में रख लिया है, अब इसको हम दही सोंठ से तैयार करते हैं। पहले हम इसमें दही डालते हैं। देखिए होली आ रही है, चाट पकौड़ी तो बनाना बनता ही है। अब हम इसमें
नमक डाल देते हैं, भुना जीरा, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा हम अदरक भी डाल देते हैं और फिर हम थोड़ी दही और डालते हैं। दही हमें गाढ़ी ही लेनी है क्योंकि दही भल्लों में या कोई भी चाट पकौड़ी हो उसमें पतली दही अच्छी नहीं लगती। अब इसके अंदर हम मीठी सौंठ डाल देते हैं, हरी चटनी, थोड़ी मीठी चटनी और डाल देते हैं। हमारे दही भल्ले पूरी तरह से तैयार है। आप भी कभी अपने घर में बनाए तो इसी तरीके से बनाइएगा, खाना भी खिलाना भी, मुझे कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।